हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु डिसेंबर मास रे आसीतिबा पांचटी बहुत बड़ नियुक्ति विषय रे आज आम आलोचना करिबा। जदि आपणकर क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास थिबो किंबा जदि आपणक पाखरे अन्यन्य कोनोसी क्वालिफिकेशन थिबो तबे बे एथिरे अप्लाई करि परिबे। देखि परथिबे एथिरे 11000 रु अधिक पोस्ट में वैकेंसी रही छि। एथिरे ओडिसा रे प्रति जिल्ला ओ ब्लॉक पई पोस्ट होइबो, केउ जिल्ला ओ केउ ब्लॉक रे केते पोस्ट होइबो एवं आपण माने किपरि अप्लाई करिबे फुल प्रोसेस में आपन को ये वीडियो रे जणाइबे। फ्रेंड्स सबुठारो बड़ कथा आजे आपण माने निज मोबाइल रे भी पोस्ट गुड कर अप्लाई करि परिबे। किपरि आपण माने अप्लाई करिबे अप्लाई करबार प्रोसेस भी मु आपन को ये वीडियो शेष रे जणाइ देबी। जदि आपण माने अप्लाई करिया पई इच्छा रखुचंती तो वीडियो को शेष पर्यंत देखि नियंतु। चलंतु प्रथमे आलोचना करि नेबा जे कोन रहिचार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्ला रे आसुथिबा एई भली नुवा नुवा सरकारी जॉब रो न्यूज पाया पई चाहुचंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं वीडियो टी भी गोटे लाइक कर दिंतु। फ्रेंड्स देखंतु यह हूँ प्रथम जॉब नोटिफिकेशन। ए नोटिफिकेशन टी सीसीआई डिपार्टमेंट जहाँकि शिशु सुरक्षा विभाग तरफ नोटिफिकेशन टी आसी एक पंचायत लेवल जॉब रज पंचायत पोस्टिंग रखु क्यों अप्लाई करेंगे एल ओडार पाने अप्लाई करेंगे आम ओडार सबू जिलार पाने पोस्ट में अप्लाई करेंगे। जेंडर टी बोथ मेल एंड फिमेल र उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने भी एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। सैलरी एथिरे 20,000 रु 25,000 पर्यंत आपनके एथिरे मंथली मिलि परिबो जहाँ कि एक बहुत भल सैलरी रही। यापर जी पोस्ट नेम तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे डिफरेंट टाइप पोस्ट होइछि। एथिरे पाखापाखी 7 रु 8 प्रकार पोस्ट में वैकेंसी रहिबो। देखंतु केउ केउ पोस्ट में वैकेंसी रहिछि एथिरे कोऑर्डिनेटर पई वैकेंसी रहिबो, हेल्पर पई रहिछि, कुक पई पोस्ट होइछि, हाउस फादर यापर होइछि हाउस मदर, नेक्स्ट होइछि आपनकर पारामेडिकल स्टाफ एवं हाउस कीपर पर वैकेंसी रहिबो। आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार आपणकर इंटरेस्ट अनुसार जेकोसी भी पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु एथिपई कोन सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहिबो। जदि आपणकर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास थिबो किंबा प्लस 3 पास थिबो किंबा फार्मासिस्ट जदि आपण माने करथिबे तो एथि अप्लाई करि परिबे। पिला माने जदि आपणक पाखरे एथि ए तीनोटी मधरु जेकोसी गोटिए भी क्वालिफिकेशन थिबो तबे भी अप्लाई करि परिबे। केवल मैट्रिक पास करथिले भी अप्लाई करि परिबे। स्ट्रीम देखो प्लस थ्री कौन आवश्यक पड़ो ना आर्ट साइंस कॉमर्स यही तीनो स्ट्रीम पिला पोस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अच्छे एप्लीकेशन फी ए तो फ्री रही जनरल ओबीसी एससी एसटी सब कैटेगरी पिला फ्री अप्लाई करेंगे कारण समस्त फ्री रही। सिलेक्शन प्रोसेस तो फ्रेंड्स देखो ये कौन सी प्रकार रिटर्न एग्जाम ना देखो ये जो पांचटी जॉब रही पांचटी रु छटी जॉब विषय में आपको इनफर्मेशन देवी से किसी पोस्ट में रही एग्जाम हो एवं किसी पोस्ट में एग्जाम होबनी। मु आपन को कहीदेवी सिलेक्शन प्रोसेस समय जे क्यों पोस्ट में एग्जाम हम एवं क्यों पोस्ट में एग्जाम होबनी। देखो ये जो पोस्ट होती सीसीआई डिपार्टमेंट आपर शिशु सुरक्षा विभाग एथिपे कौन से प्रकार एग्जाम ना केवल आपर कैरियर मार्क अनुसार सिलेक्शन कर मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री जहाँ भी आप्लाई करेंगे से अनुसार सिलेक्शन होेष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस द्वारा ही आपरे सिलेक्शन पाई। यहाँ पर देखंतु एथिरे जेतेबेले आपन माने अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय रे किछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुडकर आवश्यक पड़िबो। तो थरे चेक करनियंतु जे केउ केउ सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ुछि। प्रथमत रहि आपनकर ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट एवं तार मार्कशीट। एथिरे आपनकर मैट्रिक आसीबो प्लस टू आसीबो प्लस थ्री आसीबो। यहाँ पर फोटो रेसिडेंस सर्टिफिकेट थिले चलिबो नथिले भी चलिबो किछि भी आवश्यक नाही। जदि आपनक पाखरे थिबो तो अपलोड करिबे नथिले भी आवश्यक नाही। का सर्टिफिकेट एससी एसटी एससीबीसी ओबीसी यही पिला आवश्यक पड़ो जेनेल मानक आवश्यक ना। आईडी प्रूफ आधार कार्ड मेंशन अच्छी भोटर कार्ड पान कार्ड ए तीनोटी मधर आप जहाँ भी आईडी प्रूफ थोड़ा से आईडी प्रूफ टी सबमिट करेंगे। तो पिला सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो जिते आपज मोबाइल अप्लाई करेंगे कारण यह एक ऑनलाइन प्रोसेस। देखो एप्लीकेशन मोड कौन रही ऑनलाइन प्रोसेस रज मोबाइल ही अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग डेट जहाँकि स्टार्ट हो सारी पिला आपर किपरी अप्लाई करेंगे अप्लाई कर फुल प्रोसेस मुझे वीडियो शेष में कहबी। प्रथमे मुझे आपको ये पांचटी जॉब रो इनफर्मेशन देवी एवं वीडियो शेष में आपको अप्लाई रो प्रोसेस भी कहीदेवी। फ्रेंड्स यह दुई नंबर जॉब नोटिफिकेशन। ए नोटिफिकेशन टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई तरफ नोटिफिकेशन टी आसी देखते इतने क्यों अप्लाई करेंगे एथिरे ऑल इंडिया पई पोस्ट होती आम ओडिशा पई भी वैकेंसी रिजर्वेशन रही ओडिशा पिला माने भी पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि सिलेक्शन पाउछन्ते तो ओडिशा भितर ही पोस्टिंग रहिबो स्टेट बैंक रे। जेंडर टी देखंतु बोथ मेल एंड फीमेल रहिबो। सैलरी आपन को एथिरे स्टार्टिंग रही 29,900 पर्यंत मिल पार प्लस आपन को एथिरे अदर अलाउंस मिलिबो। देखंतु एथिरे जो
टोटल पोस्ट होई छी एथिरे 5280 पोस्ट में वैकेंसी रहिबो। या प्रोजी पोस्ट नेम एथिरे सीबीओ पोस्ट में वैकेंसी रहिछि जेकि आपनकर सीबीओ पोस्ट यहाँ पर माने अप्लाई करि परिबे। देखंतु एथिरे वैकेंसी रिजर्वेशन रहिछि एससी एसटी ओबीसी एपिल मानक पई वैकेंसी रिजर्वेशन रहिबो। ओडिसा पई भी पोस्ट पोस्ट गुडी को रिजर्वेशन रहिछि। या प्रोजी आपनकर एज लिमिट एथि पई मिनिमम रहिछि 20 वर्ष व मैक्सिमम 30 वर्ष वयस रहिबो। यह छड़ा अदर कैटेगोरी जेपरिक ओबीसी एससी एसटी एवं फिजिकल हैंडीकैप्ट पिला अतिरिक्त यही सुविधा भी मिल पार। यहाँ देखु एथपाई कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रोज फ्रेंड्स आपन को प्रथम सीबीटी एग्जाम आपन को ऑनलाइन एग्जाम देवा देखा मिले सीबीटी एग्जाम रोज सीबीटी एग्जाम पर आपंकर जो रही आप स्किल टेस्ट हो देखो आपन को दुईट एग्जाम देखा मिले स्टेज वन स्टेज टू रेपर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोज पर्सनल इंटरव्यू भी रोज। तो फ्रेंड्स यही सब प्रोसेस द्वारा आपने सिलेक्शन पाइपर देखो जिते बड़े आप्लायर प्रोसेस कह आपको आप्लाई कला समय में आपको यार सिलेबस एग्जाम पैटर्न एवं यार जो एग्जाम लोकेशन रहिबो बा क्यों स्थान में आपको एग्जाम देवाक जावाक पड़ो से विषय भी मुझको जनईदेवि। यहाँ देखु एथपाई कौन सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो देखु इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपंकर प्रथम रही सब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स देखो आप सब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो पीडीएफ फॉर्मेट रे जेपरिक मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री या सहित स्कैन होता फोटो कास्ट सर्टिफिकेट आपंकर आवश्यक पड़ो एससी एसटी ओबीसी ए पिला मानक पई कारण एथि पई एप्लीकेशन फी ना एवं वैकेंसी भी रिजर्वेशन रही जदि आपंकर स्पेशल कैटेगरी होती है एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ट किसी भी तो आपने सिंपली लिखे फॉर्म फिलअप समय अपलोड भी करेंगे। यहाँ आईडी प्रूफ रही आईडी प्रूफ देखो तीन ऑप्शन अच्छी जहाँ भी आपंकर आईडी प्रूफ थी बेटर ऑप्शन रहा आधार कार्ड आपंकर आधार कार्ड थी तो आधार कार्ड टी अपलोड करें आपंकर आधार कार्ड नंबर में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यही सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो यहाँ पर एप्लीकेशन मोड एथ तो ऑनलाइन प्रोसेस रोज मोबाइल अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग डेट जहाँकि स्टार्ट हो सारी ऑलरेडी। फ्रेंड्स किपर अप्लाई करेंगे मुझको वीडियो शेष में कहि जदि आप्लाई करने इच्छा रखुं तो शेष पर्यटन देखी नि। फ्रेंड्स देखो ये हूँ तीन नंबर जॉब नोटिफिकेशन यही नोटिफिकेशन टी आसी ओडिशा कृषि ऑफिस तरफ जहाँकि गवर्नमेंट जॉब रहिबो देखंतु क्यों माने अप्लाई करि परिबे ना ऑल ओडिसा रा पिला माने अप्लाई करि परिबे सैलरी एथि पई 18000 आरंभ करी 35000 पर्यंत आपनके एथिरे मंथली दरमा मिलि परिबो। देखंतु एथिरे दुई प्रकार पोस्ट होइछि आपनकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई करिबे से अनुसार आपनकर सैलरी भी रहिबो जॉब टाइप तो सरकारी चाकरी रहिबो गवर्नमेंट जॉब रहिबो। या पर जे पोस्ट नेम एथिरे दुई प्रकार पोस्ट होइछि वाईपी ऑफिसर पई पोस्ट होइछि एवं स्किल्ड हेल्प बा हेल्पर पोस्ट में वैकेंसी रहिबो आपने जेकोसी भी गोटे पोस्ट आप्लाई करेंगे जदि आपखे ये दुईट पोस्ट क्वालिफिकेशन थी तेज चाहिए भी आप्लाई करेंगे किसी भी असुविधा ना। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखो क्वालिफिकेशन कौन रही है ये चारोटी ऑप्शन अच्छी जदि आपर मैट्रिक पास थी कि प्लस टू पास थी कि प्लस थ्री पास थी कि डिप्लोमा थी एग्रीकल्चर फील्ड में तो ये आप्लाई करेंगे। तो आपंकर जहाँ भी क्वालिफिकेशन थी जो पोस्ट जहाँ भी क्वालिफिकेशन मेनसन कर से अनुसार आप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो एथपाई कौन सब आप्लिकेसन फी रही एथपाई न फी रही आपरे कौन से प्रकार फी देवार आवश्यक ना जेनराल ओबीसी एससी एसटी सब पाने फ्री आप्लाई करें। यहाँ पर रही एज लिमिट तो फ्रेंड्स देखो एथपाई मिनिमम एज रही 18 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष बयस रदि आपंकर अदर कैटेगोरी जपरिक ओबीसी एससी एसटी कि फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तेज आपर अतिरिक्त यही सुविधा भी मिल पार। यहाँ पर आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस देखो एथपाई भी कौन से प्रकार रिटर्न एग्जाम ना नो एग्जाम रही केवल इंटरव्यू रही इंटरव्यू द्वारा ही आपको ये सिलेक्शन हो शेष पर्यायर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही। तो फ्रेंड्स यही सब प्रोसेस द्वारा ही सिलेक्शन पारे जदि आपंकर इंटरव्यू में भल स्कोर हो तो निश्चित रूप सिलेक्शन पारे। यहाँ पर एप्लीकेशन मोड एथपाई तो ऑफलाइन प्रोसेस रोकते इंटरव्यू मध्यम अप्लाई करवाक पड़ो किपर आप्लाई करेंगे मुझको वीडियो शेष में कहि आप्लाई करार जदि आप्लाई करने चाहूँ तो वीडियो को शेष पर्यटन देखी नि। पाने चार नंबर जॉब नोटिफिकेशन ए नोटिफिकेशन टी पंचायत ऑफिस जहाँकि पंचायत समिति ऑफिस तरफ नोटिफिकेशन टी रही है क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना ऑल ओडिशा पिला अप्लाई करेंगे जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रही उभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी पोस्ट अप्लाई करेंगे। सैलरी एथपाई 20,000 पर मंथ 20,000 टाँग आपको ये मंथली सैलरी मिल पार। टोटल पोस्ट एथि 2320 पोस्ट ओडिशार अल पंचायत यार वैकेंसी रही आपंकर निज निज पंचायत ही पोस्टिंग रोज
पोस्ट नेम रही आपंकर ग्राम स्वराजगार मैत्री पंचायत मैत्री पोस्ट नेम वैकेंसी रही आपंथ पंचायत मैत्री पोस्ट नेम अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन देखो कौन रही केवल मैट्रिक पास केवल दशम पास पाने पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि आपंकर मिनिमम टेन्थ पास हो तो ये अप्लाई करेंगे। या सहित आपंकर लोकल भाषा जहाँकि आपंकर ओडिया भाषा जदि आपंकर नलेज थी जपरिकी लिखि पारे पढ़ी पारे किपारे तेब ही पोस्ट अप्लाई करेंगे। यापर देखु एथपाई कौन सब आप्लिकेसन फी रही न फी रही आपरी कौन सी प्रकार आप्लिकेसन फी पे कर आवश्यक ना। जेनराल ओबीसी एससी एसटी सब पाने फ्री आप्लाई करेंगे। यहाँ रही आप्लिकेसन मोड तो पाने देखु एथपाई भी अनलाइन प्रोसेस रही निज मोबाइल आपरी आप्लाई करेंगे जहाँकि ग्राम स्वरोजगार मैत्री पंचायत मैत्री पोस्ट में किपर आप्लाई करेंगे मुझको भिड शेष में कहि। प्रथम आपको ये जब्र इनफर्मेसन देवी यापर भिड शेष में जो पांच जाक जब रही जब्र आप्लायर प्रोसेस कहबी। यहाँ पर छः नंबर जॉब सर फ्रेंड्स यह हूँ पांच नंबर जॉब नोटिफिकेशन। ए नोटिफिकेशन टी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एस एस सी तरफ रही देखते यह हूँ बड़ वैकेंसी एथिरे आपंकर 26,246 पोस्ट होती जहाँकि ऑल इंडिया आम ओडापी एखापाखि हजार प्लस पोस्ट हो देखते क्यों अप्लाई करेंगे ना ऑल ओडिशा पिला अप्लाई करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल पोस्ट अप्लाई करेंगे। सैलरी ये देखो 21,700 आरंभ कर 69,100 पर्यंत आपको ये मंथली सैलरी मिल पार। देखो आम ओडिशा वैकेंसी रही सब कैटेगोर पे रिजर्वेशन रोज तो आप्लाई भी करेंगे। सैलरी भी बहुत भल रही 21,700 पर्यंत आपको ये मंथली सैलरी मिल पार। पोस्ट देखो क्यों पोस्ट में वैकेंसी रही एथिरे जीडी कांस्टेबल वैकेंसी रही आपरे एस एस सी जीडी कांस्टेबल पोस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो पिला देखते केवल मैट्रिक पास पिने पोस्ट अप्लाई करेंगे। जदि आपंकर मिनिमम टेन्थ पास थी तो पोस्ट अप्लाई करेंगे। एथपाई भी ऑनलाइन प्रोसेस रही सिलेक्शन प्रोसेस आपको रिटर्न एग्जाम रही प्रथम रिटर्न रहीपर आपंकर फिजिकाल यापर मेडिकल यापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही तो पिने पांचटी जाक जॉबर इनफर्मेसन। तो चलो एवं आलोचना करवा जे आपने किपर यही जॉब गुड़िक अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस मुझे कहबी। फ्रेंड्स एथिरे आपण माने किपर अप्लाई करेंगे अप्लाई करार फुल प्रोसेस मुझे कहबी एथपाई आपण माने ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखनी। फ्रेंड्स प्रथम आपने कौन करेंगे ना निज मोबाइल थिबा गूगल को ओपन करेंगे। ओपन कलापर जो सर्च बार ऑप्शन अच्छी सर्च बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ सिंपली टाइप करेंगे लिखे ओडिशा देन स्पेस लिखे जीओवीटी देन स्पेस लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन। फ्रेंड्स देखिपे मैटर कौन टाइप कले सिंपली आप यही टाइप करेंगे। टाइप कलापर पाखर थिबा सर्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखु सर्चर ऑप्शन पर क्लिक कलापर आपखे एभली किसी शो थो आपड़ा जीओवीटी जॉब रही सैट देखा मिलूब तो सिंपली आप सैट्र लिंक क्लिक करूँ पे देखते क्लिक कलापर आपठार भिन्न भिन्न कैटेगोरी जॉबर ऑप्शन गुड़िक शो हे आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई भी करेंगे। मेट्रिक प्लस टू ओडिशा गवर्नमेंट जॉब पंचायत लेवल जॉब स्कूल जॉब पोस्ट ऑफिस जॉब ये भाव में डिफरेंट टाइप ऑप्शन शो हे आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार अप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे देखो स्क्रॉल कलापर आपको जहाँ भी वैकेंसी कही थी डिसेंबर मंथर से वैकेंसी लिस्ट गुड़िक देखा मिले। प्रथम तो रही आपंकर पंचायत लेवल जॉब जहाँकि आपंकर शिशु सुरक्षा विभाग व आपंकर सीसीआई डिपार्टमेंट तरफ आसी तो सिंपली आपने प्रथम जॉब नोटिफिकेशन पर क्लिक करूँ पे देखते क्लिक कलापर आपको पोस्ट सब इनफर्मेशन देखा मिले जपरिक नोटिफिकेशन टी क्यों आसी क्यों क्यों पोस्ट रही लास्ट डेट कौन रही 16 डिसेंबर रही देखो डिफरेन्ट पोस्ट में डिफरेन्ट डेट रही आपने चेक करेंगे अप्लाई कर पूर्व प्रथम डेट टी चेक करेंगे क्यों पोस्ट में कौन क्वालिफिकेशन रहा से विषय भी लिखा जाए भला भाव पढ़े केते पोस्ट रही एज लिमिट कौन सैलरी क्यों पोस्ट में कैसे रही से विषय भी लिखा जाए। सॉरी फ्रेंड्स टिक वेट करूँ देखो अप्लाई किपर करेंगे एटे इंपोर्टेंट लिंक अच्छी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अच्छी अप्लाई लिंक अच्छी तो डायरेक्ट आपने अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर सिंपली अप्लाई करेंगे सिंपल प्रोसेस रही किसी भी एडवांस प्रोसेस ना मोबाइल भी अप्लाई करेंगे। एटे नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक भी अच्छी चाहिए चेक भी करेंगे मुझे चैनल अपलोड कर विषय में अप्लाई प्रोसेस भी कही आपने चेक कर अप्लाई भी करेंगे। यापर बैक आसवे यह तो गला आप गला आपंकर फास्ट जॉब इनफर्मेसन जहाँकि आपंकर सीसीआई डिपार्टमेंट तरफ आसी आपंकर रही सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन जहाँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई तरफ वैकेंसी रही सीबीओ पोस्ट
जहाँकि 5280 पोस्ट में वैकेंसी थिला। तो सिंपली आपन एही स्टेट बैंक जो नोटिफिकेशन लिंक अच्छे एठे क्लिक करंतु। देखंतु क्लिक कला परे आपन को स्टेट बैंक तरफ आसीथिबा जॉब रे इन्फॉर्मेशन देखिबा को मिलिबो, जेपर कि क्यों पोस्ट में वैकेंसी रही छि, केबे आपनकर लास्ट डेट रही छि एवं क्वालिफिकेशन कोन रही छि से विषय रे भी लिखा जाय। देखि पड़थिबे क्वालिफिकेशन आपनकर मिनिमम डिग्री पास बा प्लस 3 पास रही छि एवं क्यों स्टेट बैंक केते पोस्ट होछि ता विषय लिखा जाय छि। ऑल इंडिया पई 5000 पोस्ट होछि 5280, सेति मधुर हम ओडिसा पई देखंतु 5 नंबर लिखा जाय छि 250 टी पोस्ट होछि। एससी एसटी सब कैटेगरी पिला पिला मानक में वैकेंसी रिजर्वेशन रहइबो। एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन फी सब लिखा जाय छि, भला परे पढिबे एग्जाम के भबो से विषय भी लिखा जाय छि। शेषर आपन को इंपोर्टेंट लिंक देखिबा को मिलिबो, अप्लाई लिंक अछि, नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अछि। तो सिंपली आपने प्रथमे नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक ऊपर क्लिक करी चेक करी नेबे जे आपनकर वैकेंसी केतर होईची, सिलेबस कोन रहइबो, एप्लीकेशन फी कोन रहइची से विषय चेक करी नेबे। तो सिंपली क्लिक करंतु नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक ऊपर। फ्रेंड्स देखंतु आप माने से पीडीएफ टू को ओपन कला पर आपनकर समुखरे स्टेट बैंक तरफ आसीथिबा नोटिफिकेशन टी देखिबा को मिलिबो। देखि परथिबे केउ स्टेट बैंक केते वैकेंसी रहइची तार लिस्ट आपनकर केथि देखिबा को मिलिबो सर्कल वाइज। देखंतु हम ओडिसा पें केते पोस्ट होईची से विषय भी लिखा जायछि, भला बरे पढ़ी परिबे। देखो ओडिशा नेम केउटी मेंशन अछि फ्रेंड्स, देखो जो 5 नंबर रहिछि 5 नंबर हमर ओडिसा भुवनेश्वर मेंशन अछि। आपन जो एग्जाम सेंटर अछि भुवनेश्वर रहिबो, केउ कैटेगरी पिला मानक पें केते वैकेंसी रिजर्वेशन रहिछि से विषय भी लिखा जायछि। तो पिला माने यातला पीडीएफ टी को होला परे पढ़िबे, पढ़िला परे जो अप्लाई लिंक अछि लिंक ऊपर क्लिक करि अप्लाई करिबे। जदि आपन को अप्लाई रो प्रोसेस टी किछि जणा पडु नै तो जे कोनो सी भी निकटस्थ जनसेवा केन्द्र बा नेटजन को जे भी अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स मु आपनको तो 2 नंबर जॉब विषय रे कहली, यहाँ पर 3 नंबर जॉब जहाँकि आपनकर ओडिशा कृषि ऑफिस तरफ आसी जहाँकि आईसीईआर तरफ वैकेंसी रही आपनकर मैट्रिक प्लस 2 पास पिला। तो जदि आप पोस्ट अप्लाई करने चाहते तो एठे क्लिक कर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपनकर 5 नंबर जॉब जहाँकि सॉरी फ्रेंड्स 4 नंबर जॉब जहाँकि पंचायत मैत्री पोस्ट में वैकेंसी रही जहाँकि 2000 प्लस पोस्ट। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर देखु ये पोस्ट सब इनफर्मेसन देखा मिले, भला भाव पढ़े पढ़ला पर देखो शेष आपको अप्लाई लिंक देखा जाए, लिंक रे क्लिक करी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बैक आसवे, यहाँ पर आपंकर एसएससी तरफ वैकेंसी रही है जहाँकि जीडी कांस्टेबल 26246 पोस्ट। तो जदि आप पोस्ट अप्लाई करने चाहते तो सिंपली क्लिक करेंगे। यह हूँ केवल मैट्रिक पास पाला, मैट्रिक पास जदि आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। ये पोस्ट विषय भी लिखा जाए कते पोस्ट हो, एज लिमिट कौन रेषर आपको अप्लाई लिंक मिल जाव। देखिपे अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक रही, तो आपने पीडीएफ टी को पढ़े जदि आपंकर क्वालिफिकेशन थी हाइट वेट सब ठीक थी तो अप्लाई करेंगे। पिला संपूर्ण इनफर्मेसन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।